हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भिंडी बनाते हुए दिक्कत होती है कि इसमें चिपचिपा बन नहीं जाता, तो आज वही प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इजी रेसिपी है, फुल वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रेसिपी पसंद आए। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सिंपल से इजी टिप और ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल इसमें मैंने डेढ़ बड़ा चम्मच, जिसे कड़छी कहते हैं, वो भरकर डाल दिए हैं। और साथ में डालेंगे तेज पत्ता और जीरा। जीरा मैंने इसमें एक चम्मच और एक तेज पत्ता डाला है। तो इसमें डाल देंगे हम भिंडी। भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम हो तो आप इसे धोकर पंखे के नीचे रख सकते हो 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप जल्दी में हो तो इसे कॉटन क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लें। तो भिंडी जो होनी चाहिए बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो हम इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे फुल आंच पर। इसे बीच बीच में चलाते ना रहें। और साथ में डालेंगे हम इसमें प्याज। जब इसे 5 से 7 मिनट हो जाए फ्राई होने में, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने इस तरह से कट की हुई है। ये 5 से 7 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, क्योंकि भिंडी में प्याज बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाली है। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाला है नमक। जब आपने प्याज डालनी है तभी इसमें नमक डाल दें टू टेस्ट। मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर नमक का डाला है। इससे क्या होगा कि भिंडी जो होगी चिपापन है वो बिल्कुल ख़त्म कर हो जाएगी जब तक कि हमारे प्याज फ्राई होते हैं। तो ये टिप ज़रूर आप फॉलो कीजिए। एक टिप मैं आपको और बताऊंगी। तो नमक आपने डालकर भिंडी और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है 5 से 7 मिनट के लिए। मीडियम आंच पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपके प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इस तरह से भुन जाए तभी आप इसमें डालें रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालेंगे हम इसके हल्दी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। हमने 1-1 चम्मच सभी चीज़ों का डाला है इसमें। और थोड़ी सी तीखी करने के लिए मैंने इसमें तीखी मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी 1/2 टीस्पून से कम डाली है। अगर फ्रेंड्स आप इसमें हरी मिर्च डाल रहे हो तो आप तीखी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे मैं मीडियम आंच पर ही बना रही हूँ। इस तरह से फ्राई करें। आप नोटिस करें कि भिंडी में बिल्कुल जो होती है चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से अगर आप नमक डालेंगे ना तो इसका चिपचिपापन काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बनती जाएगी बिल्कुल ड्राई और बहुत ही टेस्टी, जैसे फ्राई जैसा लुक आ जाएगा कम घी में भी। और फ्रेंड्स, इसकी सरफेस से आप थोड़ा सा इसे इस तरह से सरफेस को खाली कर लें, क्योंकि हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा तड़का। जैसे मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच बटर का। बटर मेल्ट हो जाए तभी आप इसमें डाल दें अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच के करीब। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे भूनें। तो ध्यान रखिए कि गैस आपका सिम होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम जो गैस की फ्लेम कम होगी तो जलने की टेंशन नहीं रहेगी। तो फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है और अभी हम इसमें अदरक लहसुन को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पानी है बटर में या अदरक लहसुन के पेस्ट में जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसे सब्जी में ही मिक्स कर देंगे। जब इसे 2 से 3 मिनट आप कुक कर लेंगे ना, ये देखिए घी जो इसके ऊपर आ गए, तो ये रेडी है। अब इसे सब्जी में मिक्स कर दें।
इससे जो सब्जी में फ्लेवर और खुशबू आएगी बहुत ही बढ़िया आएगी, क्योंकि अगर फ्रेंड्स हम ऑयल में पहले अदरक लहसुन डालते हैं वो जल जाएगा जब भिंडी फ्राई करेंगे, तो इसलिए मैं इस टाइम पर ही इसमें पेस्ट को पका रही हूँ। बिल्कुल कच्चे की बिल्कुल नहीं टेस्ट आएगी, अगर आप सीधा इसमें पेस्ट डालेंगे तो कच्चे की स्मेल आएगी, लेकिन कच्चे की इस तरह से स्मेल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स वेरी इजी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल ड्राई ड्राई सी भिंडी बनेगी ये। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे मीडियम आंच पर ही भुनेंगे। इसमें प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसमें प्याज, प्याज कम ना करें। और साथ में डालेंगे एक नींबू का जूस, एक नींबू का मैंने इस निचोड़ कर जूस निकाल लिया। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे भिंडी बिल्कुल ही नहीं चिपकेगी, जैसे चिपचिपी सी बनती है ना, बिल्कुल ही नहीं चिपचिपी सी बनेगी। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन रेसिपी आपकी परफेक्टली ही बनेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने भिंडी को चेक किया, भिंडी अभी थोड़ी सी पकने बाकी है तो इसे मैंने सिम आंच की है, ऊपर मैं इसके दूंगी एक छन्नी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, आप इसमें ढके ना किसी प्लेट से, क्योंकि जब इस तरह से ढकेंगे तो इसमें मॉइस्चराइजर आएगा जिससे भिंडी जो होगी बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं बनेगी। तो आप इसे इसके ऊपर जाली ही दे, जो हम दूध के ऊपर देते हैं ना वही जाली। इस तरह से इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया ताकि इसे ऊपर से जो पानी निकल है निकल जाए। और ये देखिए कितनी बढ़िया सूखी सूखी टेस्टी भिंडी बन के रेडी है। रियली फ्रेंड्स इस तरह से आप करें 10 से 15 मिनट के लिए सिम आंच पर। भिंडी को आप एक बार चेक कर लें कि वो ज़्यादा गली तो नहीं, ज़्यादा गली हुई भिंडी अच्छी नहीं लगती सब्जी में, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड्स भिंडी हमारी बनके रेडी है। आप चाहें तो इसके ऊपर हरी धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनी। सिंपल सी रेसिपी है, कोई मसाला फ्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सिंपल से टिप्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ देरी क्यों करनी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। हेल्थी खाइए, हेल्थी रहिए, टेक केयर, बाय बाय।